नमस्कार, मैं नीता मेहता जनता टीवी के इस शो कुक विद नीता मेहता में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जायके के इस सफ़र में आज मसाला पनीर पिज्ज़ा बनाऊँगी। आजकल फ्यूजन फूड का ज़माना है, तो मैंने इटालियन पिज्ज़ा को एक देसी ट्विस्ट दिया है। तो इसके लिए हमें चाहिए रेड चिली सॉस, टोमेटो केचप, थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक, सॉल्ट, चीज़, पिज्ज़ा चीज़ होनी चाहिए, विच इज़ अ मिक्स ऑफ मोज़रेला एंड चेडर। दोनों को मिलाकर यूज़ कर सकते हैं अलग अलग, या रेडीमेड पिज़्ज़ा चीज़ भी ले सकते हैं आप। उसके अलावा, क्योंकि मैंने इसे देसी टच दिया है, मैं नीता मेहता पनीर मसाला इस्तेमाल करूँगी। ओरेगानो सीजनिंग है इटालियन टच के लिए, और जो सब्जियाँ हम इसमें डालेंगे वो कटी हुई शिमला मिर्च हरी और लाल, प्याज थोड़ा सा, और मसाला पनीर पिज्ज़ा है तो पनीर तो आएगा। ये बहुत ही झटपट रेसिपी है, और कभी भी आपके बच्चे या हस्बैंड घर आएं तो आप इसको इंस्टेंटली बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं, इसमें हैलपिनोज डाल सकते हैं, इसमें और ब्रोकली, कोई भी वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी टोमेटो सॉस नीचे की बनाते हैं। उसके लिए 2 चम्मच हम चिली सॉस लेंगे और 3 चम्मच केचप के लेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप बराबर बराबर भी ले सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करने के लिए चॉप्ड गार्लिक डालेंगे। गार्लिक आप कच्चा ही रखेंगे, क्योंकि आप ओवन के अंदर तो जाएगा ही पिज्ज़ा, तो वो अपने आप पक जाएगा। और इसमें टेस्ट देने के लिए नीता मेहता पनीर मसाला भी ऐड करूंगी, 1/2 चम्मच सॉस में और 1/2 चम्मच मैं डालूंगी पनीर में। तो ये हमारी सॉस तैयार है। देखिए कितनी जल्दी, नो कुकिंग रिक्वायर्ड, जस्ट मिक्सिंग। कच्चा गार्लिक है, मसाला है, पनीर मसाला और सॉसेस हैं। पिज़्ज़ा बेस को हमने ब्रश करना है ऑलिव ऑयल से, प्रेफरेबली ऊपर भी और बैक पे भी और साइडों पर भी। ऑलिव ऑयल ना हो तो आप रेगुलर ऑयल भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉस तैयार है, चीज तैयार है, अब वेजिटेबल्स की बारी है। वेजिटेबल्स मैंने आपको बता दिया है, अब इसके अंदर हमने क्या क्या डालना है देखिए। मसाला मैंने आपको कहा था मैं मिलाऊंगी, पर मसाला तभी कोट करेगा जब मैं इसके अंदर थोड़ा सा तेल डालूंगी। तो थोड़ा सा, अबाउट अ टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल इन दिस, एंड 1 टीस्पून ऑफ पनीर मसाला, एंड अ लिटिल सॉल्ट। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ऑयल की वजह से मसाला कोट कर लेगा आपकी सब्जियों पे, पनीर पर, सब पे, और कुछ भी और डालने की जरूरत नहीं है आपको। ये आपका तैयार है, ऑयल लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने सॉस लगाई। अब नॉर्मली क्या करते हैं लोग, सब्जी डाल देते हैं। सब्जी तो तभी चिपकेगी ना जब थोड़ा सा चीज होगी इसके ऊपर, तो थोड़ी चीज पहले डालिए नीचे और फिर ये ऊपर सब्जी और पनीर। एक ट्रे ले लीजिए, इन्हें ट्रे पे रखिए आराम से। कैप्सिकम्स को सीधा कर लीजिए ताकि शक्ल सुंदर लगे, और थोड़ी चीज़ हमने नीचे डाली थी और थोड़ी चीज़ हम इसके ऊपर डालेंगे। और अगर चीज़ से सब्जियां ढक गई हों तो 1-2 कैप्सिकम्स और लगा सकते हैं आप ऊपर। इसी तरह ये दूसरा भी तैयार करिए।
अब ये जाएंगे अवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे अबाउट 8 मिनट्स के लिए। तो जब तक ये इसकी साइड्स गोल्डन हो जाए और नीचे से क्रिस्प हो जाए और ऊपर से चीज़ मेल्ट हो जाए। पिज्ज़ा को 200 डिग्रीज पे अवन गरम करके प्री हीटेड अवन में आप इसे 8 मिनट के लिए रख दें। जब तक इसके एजेस करारे हो जाएं थोड़े से और नीचे से ये अच्छा ब्राउन हो जाए। अब पिज्जा तैयार है, चलिए अब इसको सर्व करते हैं। चीज मेल्ट हो गई है अच्छे से, एजेस ब्राउन हो गए हैं। सर्व करने के लिए पिज्जा बिल्कुल तैयार है, गरम गरम, नाइस एंड क्रिस्प एट द एजेस। रेड ग्रीन कलर्स बहुत सुंदर लग रहे हैं ऊपर। ये रहा आपका मसाला पनीर पिज्जा तैयार। आज बनाऊंगी रेशमी चने कबाब। इसके लिए हमें चाहिए काबली चने जो हम रात में भिगो देंगे या 6-8 घंटे के लिए आप भिगो दें। नेक्स्ट मॉर्निंग या कुछ घंटों बाद आप इस चने में 1 साबुत लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरे का और 1 चम्मच नमक डाल के इनको उबाल देंगे। तो ये मैंने आपके लिए उबाल के रखे हुए हैं चने, जीरा और लाल मिर्च के साथ उबाल के रखे हुए हैं। कबाब बनाने के लिए पहले आप थोड़ा सा तेल गरम करें, 1 प्याज बारीक कटा हुआ उसमें डालकर थोड़ा भून लें उसे। जब आप कबाब बनाते हैं तो आप अदरक लहसुन की पेस्ट भी डालते हैं, पर अदरक लहसुन की अगर हम पेस्ट डालते हैं तो वो चिपकने लगती है। सो पहले प्याज आप भून लें, उसके बाद अदरक लहसुन डालें। इसमें मैं कटा हुआ डाल रही हूँ, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। प्याज ने अपना रंग बदल लिया है, अब इसमें हम अदरक लहसुन डालेंगे। तो थोड़ी सी अदरक, ज़्यादा नहीं अदरक, लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा। अगर अदरक आधा टीस्पून है तो लहसुन आप 1 टीस्पून डाल सकते हैं। और थोड़ा सा कबाब में तीखापन अच्छा लगता है तो इसके लिए हम हरी मिर्च डालेंगे। हमने चने उबालते समय एक लाल मिर्च भी डाली है, तो हरी मिर्च आप ज़रा ध्यान से डालें, चाहे तो इसके बीज निकाल के आप काट के डाल सकते हैं। अदरक लहसुन भुन गया है, अब इसमें हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे नीता मेहता चना मसाला, और इसके अलावा कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि इसी मसाले से आपका सारा फ्लेवर कबाब में आ जाएगा। पर ये नहीं है कि हम ये मसाला सिर्फ कबाब में डाल रहे हैं, आप चने बनाएं, चने भटूरे के साथ चने बनाएं या छोले बनाएं चावल के साथ, उसमें भी बहुत बढ़िया लगता है चना मसाला। और मसालों को हमेशा तेल में डालें और ज़्यादा देर ना भूनें,
क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर मसाले भूनते हैं तो वो जल जाते हैं। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है चने मसाले की, और इसके अंदर अब इसको हेल्दी बनाने के लिए मैंने कबाब्स में थोड़ा सा पालक भी डाला है। तो चने और पालक, एक कप चने में अबाउट 2 कप्स ऑफ चॉप्ड पालक डाल रही हूँ। थोड़ी देर हमें पालक को भूनना है, और जब तक पालक भून रहा है उतनी देर में जो हमारे चने उबले हुए हैं इनको हम थोड़ा मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं अगर चने थोड़े से सख्त हो। कई बार हम सोडा डाल देते हैं मीठा, तो उससे चने नरम हो जाते हैं, और कई बार थोड़े से सख्त लगते हैं, तो मुझे थोड़े से सख्त लग रहे हैं तो मैं इन्हें मिक्सी में पीस रही हूँ। ये पालक भी तैयार है, 2-3 मिनट हम इसको भून चुके हैं, और अब इसमें हम ये पीसे हुए चने डालेंगे, जो हमने जीरा और साबुत लाल मिर्च और नमक के साथ उबाल कर पीसे हैं। चने डालकर इसको भून लीजिए। बहुत ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अभी ब्रेड क्रम्स भी जाएंगे, और थोड़ी दही भी हम डालेंगे टेस्ट के लिए, और रेशमी है तो थोड़ा सा मक्खन भी जाएगा। चलिए अब ये तैयार है। इसको हम एक परात में या किसी डिश में ठंडा करने के लिए निकाल लेते हैं। थोड़ी सी इसके अंदर दही डाल दीजिए, 1-2 चम्मच, ज़्यादा नहीं, गरम गरम में ही डाल दीजिए, थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा ये। और अब इतने ब्रेड क्रम्स डालिए कि ये बाइंड हो जाए और कबाब बन सके। ये 1/2 कप ब्रेड क्रम्स हैं। चने और पालक के मिक्सचर में थोड़ी सी दही मैंने डाली है और ब्रेड क्रम्स डाले हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और कबाब बनाने से पहले आप एक गोला चखना ना भूलें, कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा नमक कम ज़्यादा है तो आप डाल सकते हैं। चाहे तो अगर आपकी दही खट्टी ना हो तो आप थोड़ा सा अमचूर भी डाल सकते हैं। अब इसके बॉल्स बना लीजिए, कबाब का शेप दे दीजिए, थोड़ा सा फ्लैट यहाँ से भी और यहाँ से भी चपटे। मैं गैस ऑन कर देती हूँ, और थोड़ा सा तेल, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, शैलो फ्राई करना है। जब तक तेल हमारा अच्छा गर्म होता है 2-3 कबाब बना लेते हैं। अब हम कबाब तल लेते हैं अपने, इनको डीप फ्राई ना करें, शैलो फ्राई ही करें। ये पहला वाला शायद हो चुका है, चेक कर लेते हैं इसको टर्न करके, गोल्डन कलर आ गया है, थोड़ा सा प्रेस कर दें, कलर और अच्छा आ जाएगा अगर आप प्रेस करेंगे। चाहें तो आप जरा सा ऑयल ऊपर भी डाल सकते हैं। बस हमारे कबाब तैयार हैं, सर्व करते हैं। ये रेशमी चने कबाब अब तैयार हैं, इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेटिंग करते हुए अगर आप थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। ये रेशमी चना कबाब तैयार है।